अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है, बोन के साथ हमने लिया है मटन को और पीसेस भी बड़े रखे हैं। यहाँ पर हमने काजू को भिगो दिया था 3-4 घंटे पहले। कुछ नारियल के टुकड़े हैं, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। हमने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। कुछ खड़े मसाले हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, जाफरान है, लौंग है, 1 स्टार है और दालचीनी, तेज़पत्ता। यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ऑयल गरम होने को रख दिए हैं, हम प्याज फ्राई करेंगे, हम इसका बिरिस्ता बनाएंगे। अब प्याज फ्राई करने के लिए जब ऑयल लें तो ऑयल अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। प्याज लाइट पिंक कलर हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद ही 20% कुक होता है, तो इस स्टेप पे हम प्याज निकालेंगे। अब हम ऑयल कम कर लेंगे, हम इसमें ही कोरमा बनाएंगे। ऑयल गर्म है, हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें मटन डालेंगे। आप मटन के पीसेस बड़े ही लें अगर आपको कोरमा बनाना हो तो। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बट भगोने में बनाने से काफ़ी देर तक इसको चलाकर मसालों में भूनने से जो फ्लेवर आता है वो कुकर में बनाने से नहीं आता है। अगर आपको झटपट बनाना हो तो आप प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और इसे 5 मिनट भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। बिरिस्ता अच्छी तरह से फ्राई हुआ, अब इसे हम हाथों से क्रश कर देंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब दही लिया है, इसे अच्छी तरह से हमने व्हिप्ड कर लिया है, इसे डालेंगे। 1 kg मटन में हमने 300 ग्राम के करीब दही लिया है। अब हम सभी मसाले डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 40 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह भुने। 40 मिनट हो चुका है, डिशेस चेक कर लेते हैं। 80% तक कुक हुआ है। अब हम इसमें बिरिस्ता डालेंगे। बिरिस्ता डालने के बाद अच्छा सा कलर आता है। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे, बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, हम इसे और भूनेंगे। जितना हम कोरमा को भूनते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है और इसका कलर उतना ही अच्छा आता है। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है और स्पाइसी मिर्च भी डाली है, तो इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। पीसेस भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाकर रखा था। 10 मिनट के लिए हम इसे फिर कवर करेंगे काजू का पेस्ट डालकर, अच्छी तरह मिलाकर, ताकि अच्छी तरह और भून जाए। जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए हमें तब तक इसे भूनना है, ऑयल की तरी ऊपर ना आ जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी कलर चेंज हो चुका है कोरमे का। 5 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे ताकि और अच्छा कलर आए। इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर 1 कप पानी डाला है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसे कुक करेंगे। अच्छा सा इसमें बॉयल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि अच्छे से ऑयल की लेयर ऊपर आ जाए। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है।
हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है मटन कोरमा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शादियों में जो कोरमा बनता है एकदम वैसे ही फ्लेवर आता है इसमें, और उसका फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। हमें सिर्फ इसका 3-4 ड्रॉप डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। हमने सिर्फ 4 ड्रॉप डाला है, 4 बूंद। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम सर्व करेंगे 5 मिनट बाद। ये सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए गाइस, मटन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म नान पराठा या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।